अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे, देखें ये 12 वोल्ट का रिले का कनेक्शन कैसे करेंगे। बैटरी से ये डीसी वोल्ट, ये प्लस या माइनस का निशान है, ये डायोड है, सही है। हम इसको उस पे रिले पे इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। कि इसलिए लगाया था कि मैं रिवर्स कोई वोल्ट ऐसे ना आए कि उसमें नुकसान हो सके, ठीक है। ये इसके पांच टोटल पिन है, दो तीन ऊपर दो नीचे, ठीक है। आपने इसमें कनेक्शन देखा किस तरह करना है, कि डायोड को कैसे लगाना है। आप किसी सर्किट से भी निगाह देखें, प्लस माइनस का निशान है, इसको फोर से देखिएगा, ये देखें प्लस ये माइनस। आपने ये किसी भी सर्किट से निकाल दे या बराबर एडाप्टर से किसी में से भी निकालेंगे, डायोड आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। किसी आप दुकान से भी ले सकते हैं, ये आपने अभी सोल्ड करना है, ठीक है। ये प्लस का निशान है, देखें ये जो ये वाला ये प्लस का निशान है, इसको हमने इसको सोल्ड करना है, ये सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। एक टाँका यहाँ लगाना है और एक टाँका आपने इसके पीछे लगाना है, ठीक है। ये दोनों काम हो जाएंगे, दो टाँके आपने लगाने, ठीक है। और इसको आपने हाथ नहीं लगाना क्योंकि बहुत गर्म होता है, ये प्लस माइनस का बड़ा ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ जो हम लगाएंगे वो 78-9 ICB कहते हैं इसको, ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें कनेक्शन आपने गौर से देखने के कनेक्शन कैसे लगाने हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई ना एक पार्ट्स आपका ख़राब होने के चांस हैं अगर आपने उल्टे कनेक्शन किए तो। ये हमारा नेगेटिव है, ठीक हो गया। इसमें आपने जितने भी तमाम जो कनेक्शन के जो नेगेटिव हो गए वो यहीं लगेंगे। आपने इसका माइनस प्लस का बड़ा ख्याल रखना, ठीक हो गया। एक ये आपका 78-9 का जो है ना माइनस का निशान, माइनस का जो है कनेक्शन हमने कर दिया है, अभी हमने प्लस का करना है, ठीक है। ये 78-9 किसे हम इससे कनेक्शन करेंगे, ये 12 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट जो रिले काम करेगा, जैसे ही कन्वर्ट होगा डीसी वोल्ट पे वो 78-9 पे कन्वर्ट होगा और 78-9 राउटर को सप्लाई देगा, ठीक हो गया। ये देखें ये 78-9 पे कनेक्शन होंगे, इसके 12 वोल्ट ही निकलेंगे। पहले इसके जो पहली टांग पे आपने 12 वोल्ट लगाने, ठीक है, और बीच वाला नेगेटिव है, आपने नेगेटिव लगा दिया आपने, ठीक हो गया। आपने कनेक्शन थोड़े ध्यान से करने और ये कनेक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने लगा देना है। देखिए अगर ये निकल गए, टच हो गए, तो ये खतरा आपका नुकसान हो सकता है किसी भी पार्ट्स का, ठीक है। ये 12 वोल्ट रिले है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 12 वोल्ट रिले और ये 78-9 है, ये आपने हेड सिंक के बगैर नहीं लगानी, हेड सिंक के साथ ही लगानी है, वरना ये बहुत हीटअप होता है। अगर ये ज़्यादा हीटअप हो तो उसमें आपने बड़ी कोई हेड सिंक लगा सकते हैं, ठीक है। ये राउटर की पिन आ गई, ये हमने रिले पे नहीं, ये हमने लगाना है 78-9 पे, 78-9 IC पे हमने इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक हो गया। मैं अपना थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये इसके कनेक्शन होते ही मैं आपको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा किस तरह चलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक हो गया। हाँ, अब इसके कनेक्शन रहते हैं, एडाप्टर के कनेक्शन रहते हैं। अच्छा, इन दोनों का माइनस एक ही जगह पे लगेगा, राउटर का जो माइनस प्लस है वो भी आपने सेंटर में लगाना है, ठीक है। और इसकी जो एक टांग रह जाएगी, सही है, वहाँ पर आपने प्लस निकालना, 9 वोल्ट आपके मिलेंगे, ठीक है, हो गया। ये पहले जो हमने कनेक्शन किया था वो 12 वोल्ट है, ये इस तरफ जो निकालेगा वो 9 वोल्ट निकालेगा, ठीक है, हो गया। अभी हमने एडाप्टर के कनेक्शन करने हैं। आपने ये पहली टांग जो डायोड का जो नेगेटिव है, यहाँ प्लस का निशान, ये प्लस का था वायर लगेगी, इसको आपने सोल्ड कर लेना है, ठीक हो गया। ये हो गया सोल्ड। अच्छा, इसका भी नेगेटिव आपने वहीं लगाना है,
जो हमने पहले लगाए थे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव सबका एक ही होगा, सही है। उसमें जो आपने जो स्विचिंग करवाने हैं, जैसे पिन हो गए, लाइट भी आप लगा सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपको अलग से अगर बोलेंगे कमेंट्स में और अपनी राय देंगे तो मैं उसकी लाइट की भी बना दूंगा। इसका भी कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो गया। आपने बस एहतियात से लगाना है, ठीक हो गया। और बड़े ख्याल से इसको लगाना है, वरना ये ख़राब हो जल्दी हो जाते हैं। और अगर उल्टे सीधे आपने ये नेगेटिव के सारे नेगेटिव इसी साइड पे ही लगेंगे आपके जितने भी हैं, बैटरी का भी हो गया, आपके राउटर का हो गया, ठीक हो गया, आपके 78.9 का हो गया, सबके नेगेटिव एक साइड पे ही लगेंगे। आपने यह कनेक्शन हो गए आपके, ये ठीक हो गया, अडाप्टर भी लग गया। अभी हम राउटर को चला के दिखाएंगे, राउटर को चला के दिखाएंगे किस तरह चलता है। ये आपने ये 9 वोल्ट का राउटर है, ठीक है, हो गया। 5 वोल्ट का होगा तो 5 वोल्ट का आपका जो है ना वो 78.5 लगेगा, और अगर 12 वोल्ट 78.12 लगेगा, ठीक हो गया। जो आपका राउटर के वोल्ट हैं वही वोल्ट के आईसी लगेंगे, ठीक हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है। ये मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। आपने देखें ये ऑन ऑफ होगा, ये देखें ग्रीन लाइट जलेगी इसकी, ये देखें ग्रीन लाइट जल गई है, सही हो गया। ये अच्छा, जब आप लाइट इसका लाइट जैसे एक एसी के इलेक्ट्रिक लाइट जाएगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ये ऑन हो गया, ये ऑन होने के बाद ये देखें इस वक्त एडाप्टर पे चल रही है, ठीक हो गया। यानी जो राउटर का एडाप्टर होता है उस पे, उसके भी बैटरी के भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, जो बैटरी पे भी चलेगा और वायर, ठीक है। देखें ये बैटरी के प्लस का निशान बैटरी का लगा दिया, अच्छा। और माइनस का वही माइनस मैंने बोला ना, कॉमन है, सबके माइनस एक ही तरफ लगेंगे। ये माइनस का निशान भी आप देख लें, और इस तरह देख ये अभी हो गया 12 वोल्ट। अभी ये बैटरी पे भी, ये देखें बैटरी पे भी ऑन हो गया, ठीक है। पहले हमने एडाप्टर पे ऑन किया था, अब बैटरी पे ऑन कर दिया इसको। इसको बिल्कुल जो है ना आपने एहतियात से लगाना है। देखें ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम उसको इजीली चला सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसमें कनेक्शन ये देखें बैटरी पे ये ऑन हो गया। अब देखें अगर शायद लाइट की वजह से ना दिख रहा हो तो मैं हाथ रख के दिखाऊं, शायद आपको लाइट नज़र आ जाए, वरना कैमरे की लाइट जो है ना वो भी बड़ी तेज़ की वजह से आपको शायद नज़र कम नज़र आएगा। लेकिन देखें आपको वाजे बिलिंग होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ग्रीन लाइट है, ठीक हो गया। ये अच्छा, जब आपकी जब लाइट जाएगी तो ये एक दफ़ा ऑफ हो जाएगा, और जो है जब लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिक जो आपका एडाप्टर पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उस पर ये ऑफ नहीं होगा, ठीक हो गया। क्योंकि एक दफ़ा ये बंद होगा, वैसे भी राउटर को हम एक दफ़ा दो दफ़ा ऑन ऑफ करते लाइट जाती है तो वैसे ही ऑफ हो जाता, ठीक है। ये 78.9 अगर आपका गर्म हो तो आपने बड़ी हीट सिंक लगानी है, तो
तो उसमें यह होगा कि ये उड़ेगा नहीं, यानी ख़राब नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये आपने जिस तरह आपने वायर रखनी हो, जितनी दूर डिस्टेंस आपकी देख लेना कि राउटर आपने कहाँ रखना है, बैटरी कहाँ रखना है।